हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 50 में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपीपीसीएल और एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए रिवीजन क्लास। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे, बोले सर आप वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो मैं काफ़ी दिन के बाद अपने चैनल पर आया हूँ। तो आज मैं क्लास फर्स्ट मैं चैप्टर बाई चैप्टर रूल लिखवाने वाला हूँ, और रूल्स के बाद ही आपको तुरंत एक एक्सरसाइज दी जाएगी जिसमें आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब क्लास फर्स्ट में। तो दोस्तों क्लास फर्स्ट इसका मैं डायरेक्टली आपको ज़्यादा ना बता दूँ, केवल रूल्स पे आपको फोकस करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रूल्स आपको मिलें। और उसके बाद आप भी देखोगे कि भाई रूल्स में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो देखो, अगर रूल्स में आप रूल्स के अकॉर्डिंग चलोगे तो कोई भी स्पॉटिंग एरर बहुत आसानी से आप कर सकते हो। अगर उसके बाद आप उसमें कुछ ज़्यादा डीपली जाओगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो देखते हैं दोस्तों, पहला रूल फर्स्ट स्टेप कहता है दोस्तों कि जब भी आपको सेंटेंस के लास्ट में येट, सो फार और टिल नाउ, दोस्तों इन ये तीन शब्द हैं, अगर इन तीनों शब्दों में से कोई भी एक आपको सेंटेंस के लास्ट में मिल जाता है तो भाई उस सेंटेंस की जो वर्ब लगी होगी वो वर्ब आपकी या तो हैज नॉट होगी या फिर आपकी हैव नॉट होगी, और इनके आगे मेन वर्ब हमेशा आपकी थर्ड फॉर्म में ही रहने वाली है। मतलब किसी वाक्य के लास्ट में येट, सो फार, टिल नाउ मिल जाए आपको तो उस सेंटेंस की वर्ब चेक कर लेना हैज नॉट, हैव नॉट के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इन तीनों का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये तीन शब्द हैं, तीनों का मतलब होता अभी तक। इसका मतलब क्या होगा, अभी तक। जैसा सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क सो फार। अगर दोस्तों मैं इस सेंटेंस का भी अर्थ देखना चाहूं तब भी इसका मतलब यही निकलने वाला है कि उसने अभी तक अपना कार्य नहीं किया है, लेकिन मुझे अर्थ नहीं निकालना, मुझे तो ये देखना है कि सो फार लास्ट में आया है। हैज के आगे नॉट लगना था, थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो हम केवल यहां नॉट जोड़ देंगे, स्टेप हमारा बिल्कुल क्लियर। अगर दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया है तो अगला देखो सेकंड स्टेप, रूल नंबर सेकंड में आते हैं। तीन शब्द ध्यान रखना दोस्तों, ऑफ लेट कॉमा लेटली कॉमा रिसेंटली, ये तीन शब्द, और इनका तीनों का मतलब क्या होता है, हाल ही में। तीनों मतलब क्या होगा दोस्तों, हाल ही में। अगर इन तीनों शब्दों में से कोई भी एक शब्द या तो वाक्य के शुरू में दिया हो या वाक्य के लास्ट में दिया हो तो दोस्तों उस सेंटेंस की जो वर्ब होगी ये वर्ब भी आपकी हैज, हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी, ये चेक कर लेना। आपको इसी रूल से आपको बढ़ाना है, ऑफ लेट, लेटली या रिसेंटली वाक्य के शुरू में मिल जाए या लास्ट में कोई भी एक शब्द तो सेंटेंस की वर्ब चेक लेना आपकी ये आने वाली हैज, हैव के साथ थर्ड फॉर्म। जैसा सेंटेंस देखूं, सी केम हेयर लेटली। अब दोस्तों लेटली मुझे लास्ट में मिला तो मुझे सीधा पता कि इसकी जो वर्ब होगी वो हैज के साथ थर्ड फॉर्म होगी, यहाँ केम है तो मैं यहां क्या कर दूंगा, हैज कम, कि वह हाल ही में यहां आई है। आई होप के दोस्तों ये स्टेप भी आपको समझ में आ गया होगा। मैं केवल आपको स्टेप बाय स्टेप रिवीजन करा रहा हूं, और रिवीजन अभी आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, केवल रिवीजन मात्र आपके पास टाइम बचा है, उसके बाद आपको डायरेक्ट एक एक्सरसाइज पे लेकर जाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों आगे थर्ड स्टेप क्या कहता है।
अब थर्ड स्टेप पे देखेंगे दोस्तों, बढ़े आपका सेंस, तो भाई सेंस के बाद दो कंडीशन आपको देखनी होती हैं। पहली कंडीशन के सेंस के आगे दोस्तों टाइम लगा होता है, जिसे सर्टेन टाइम बोलते हैं। अगर यहां ये भी ना लगा हो तो फिर पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस देखा जाता है, कि सेंस के आगे हमारा पास्ट इंडेफिनिट भी आ जाता है, तब भी सही होगा। सेंस के पहले दोस्तों सबसे पहले आपको प्रेजेंट परफेक्ट देखना है, कि सेंस के पहले मोस्टली प्रेजेंट का परफेक्ट दिया होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट भी ना हो तो दोस्तों केवल परफेक्ट कंटिन्यूस देख लेना। अगर परफेक्ट कंटिन्यूस है तब भी वाक्य आपका बिल्कुल सही होगा। सबसे पहले सेंस के आगे टाइम, और टाइम भी ना हो पास्ट इंडेफिनिट, सेंस के पहले सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट ना हो तो परफेक्ट कंटिन्यूस। देखते हैं दोस्तों इसका भी एक सेंटेंस। सी इज अलोन एट होम सिंस हर मदर वेंट आउट। अब दोस्तों ये सेंटेंस है, यहां देखा मैंने सिंस, सिंस के आगे बेंट पास्ट में आया, पास्ट इंडेफिनिट बिल्कुल वाक्य सही, कोई दिक्कत नहीं। सिंस के ठीक पहले यहां देखा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट, आएगा तो इन दोनों में से आएगा वरना नहीं आएगा, तो क्या करेंगे इच के स्थान पर हैज भी लगा देंगे, वाक्य आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले स्टेप की ओर। अब ध्यान रखना दोस्तों, शब्द हैं आपके जस्ट, एवर, ऑलरेडी, रिसेंटली। अगर ये सब्जेक्ट के बाद दोस्तों आपको दिखाई दिए गए हों तो इनके बाद मतलब सब्जेक्ट के बाद यहां आपको हैज, हैव या हैड चेक करना है, और इनके तुरंत बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चेक करनी है। अगर ये कंडीशन होगी तो सेंटेंस सही होगा, और कंडीशन नहीं होगी तो सेंटेंस गलत होगा। तो दोस्तों मेरे साथ साथ आप भी नोट करते रहना, क्योंकि यही वो स्टेप हैं जो आपको बहुत कम समय में एग्जाम क्रैक करा सकते हैं। देखो जरा सेंटेंस है, दिस इज द बेस्ट बुक दैट He ever read। अब ये सेंटेंस है, मुझे सब्जेक्ट के बाद मिला ever, तो ये देखना है कि इसे ever के पहले has या have या had आना चाहिए था, लेकिन मैं यहां देखूं तो सेंटेंस प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट के अनुसार यहां मैं has लगा दूंगा, has ever read, तो वाक्य मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये स्टेप भी आप नोट कर लेना। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। बढ़ते हैं दोस्तों अगले स्टेप की ओर। अगले स्टेप है दोस्तों, अगर बिफोर बाय द टाइम और आफ्टर, इसमें दोस्तों दो कंडीशन बनेंगी। अगर बिफोर या बाय द टाइम के आगे जो सब्जेक्ट लगा है, इस सब्जेक्ट के आगे अगर मेन वर्ब आपको सेकंड फॉर्म में मिल जाती है, तो दोस्तों यहां जो सब्जेक्ट होगा बिफोर बाय द टाइम के पहले, ये अपने साथ विल लेगा, शैल लेगा, और इनके बाद यहां हैव आएगा, और हैव के आगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी, वाक्य आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आफ्टर भी अपने साथ एक कंडीशन लेगा, कि आफ्टर के आगे जो भी सब्जेक्ट लगा होगा, अगर इसके आगे हैज, कॉमा हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है, तो दोस्तों आफ्टर के पहले यहां जो सब्जेक्ट होगा, तो इसके आगे विल
सेल और मेन वर्ब की दोस्तों फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये आपको ध्यान रखना है, आप नोट कर लेना। अब इसमें एक स्टेप और आता है, वो मैं अभी बाद में बताऊंगा, पहले इसका एक एग्जांपल मैं आपको बोल देता हूं। अब ध्यान रखना, कभी कभी ये बिफोर बाय द टाइम और आफ्टर वाक्य के शुरू में भी आ सकते हैं। तो जब ये शुरू में दिए गए हों तो ये जो सेक्शन है ये बाद में दिया होगा, तो इससे भी आपको कोई टेंशन नहीं होगी। देखते हैं दोस्तों, जैसे मैंने बोला बिफोर यू, सॉरी दोस्तों मैंने यहाँ थोड़ा गलत लिख दिया है, यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है हमें, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या ई एस, यहाँ सेकंड फॉर्म में आएगी, सेकंड पास्ट में पहुंच जाएगी। बिफोर यू रीच द स्टेशन द ट्रेन विल डिपार्ट। अब दोस्तों ये सेंटेंस है, अब हम बताना गलती कहाँ है, बोले जी हमने देखा ये बिफोर है, बिफोर के आगे सब्जेक्ट है, इसके आगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो बिफोर के इधर का जो सेक्शन होगा वो फ्यूचर परफेक्ट का होगा, तो इस विल के आगे मुझे हैव लगाना पड़ेगा, डिपार्ट की जगह मुझे डिपार्टेड करना पड़ेगा, मेरा सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसमें दोस्तों एक कंडीशन और आ जाती है कि जो पास्ट में आती है, पास्ट वाली कंडीशन भी दोस्तों बना लेना आप। अब देखो पास्ट की कंडीशन क्या होगी वो आपके सामने लिख रहा हूं मैं भी, अगर बिफोर बाय द टाइम के आगे मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में दी गई हो और इसके पहले जो सब्जेक्ट आएगा बिफोर बाय द टाइम के पहले, इसके बाद आएगा हेड और हेड के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, आफ्टर के आगे दोस्तों अगर यहां हेड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई हो तो इधर जो सब्जेक्ट होगा दोस्तों, अब इसके साथ आपको क्या देखना है कि यहां मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। ये सेक्शन आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है। देखते हैं दोस्तों सेंटेंस, ही रॉट द लेटर आफ्टर मदर केम। अब दोस्तों मैंने देखा कि यहां मुझे क्या मिला, आफ्टर मिला, आफ्टर के पहले मुझे सेकंड फॉर्म मिल गई है, जब सेकंड फॉर्म मिल गई है तो दोस्तों ये जो वर्ब होगी हेड के साथ थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तो मैं यहां कर दूंगा हेड कम, वाक्य मेरा दोस्तों सही हो जाएगा। अगर दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया है तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर। और अगले स्टेप है दोस्तों हमारा, अगर आपको इस तरह से कोई सन दी गई हो 1990, 2005, 1985, 2006, 2015, इस तरह से दोस्तों कोई भी एक सन दी गई है, तो हमें देखना है इसके पहले अगर प्रीपोजिशन इन है या प्रीपोजिशन सिंस है, तो वर्ब क्या लगाएंगे। अगर दोस्तों प्रीपोजिशन इन मिल जाती है तो यहां जो वर्ब होगी इसके पहले जो वर्ब आएगी वो सेकंड फॉर्म की आएगी, और सिंस के पहले दोस्तों यहां जो वर्ब होगी ये वर्ब आपकी हैज हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ये नोट कर लेना दोस्तों कि वो पॉइंट है जो आप सेंटेंस को देखकर ही बता सकते हैं कि सेंटेंस में वर्ब क्या होगी। और दोस्तों सेंटेंस करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, हमें केवल क्या देखना होता है, वर्ब देखनी होती है, वर्ब से ही सेंटेंस बन जाता है और वर्ब से ही हमारा टेंस बन जाता है। तो आप ज्यादा टेंशन ना लें, अच्छे से वीडियो को देखें और वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों नोट कर लेना, देखो सेंटेंस मैं आपके सामने बोल रहा हूं, सेंटेंस है इंडिया हैज बॉर्न फ्रीडम इन 1947। अब मैंने सेंटेंस लिखा दोस्तों, अब मुझे बताना है कि सेंटेंस सही है गलत है। तो ये मुझे सन मिल गई है, इसके पहले प्रीपोजिशन इन आई है, तो मैं ये नहीं करूंगा अब प्रीपोजिशन चेंज करूं, प्रीपोजिशन चेंज नहीं करनी है,
आपको तो इन आया है तो यहाँ सेकंड फॉर्म चेक करनी थी, और यहाँ हैज कौन है तो यहाँ से हैज हटा देंगे, बाकी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर दोस्तों ये स्टेप भी आपको समझ में आ गया है तो बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर। अब मैं अगले स्टेप का स्ट्रक्चर बना रहा हूं दोस्तों। अगर सब्जेक्ट के बाद आपको यहां कुछ एडवर्ब्स आपके लिए बोली जा रही हैं, उसके आगे मेन वर्ब और उसके आगे ऑब्जेक्ट, ये स्टेप आपको दोस्तों हमेशा याद रखना है। और इसमें एडवर्ब में है आपका ऑफन, सेल्डम, यूजुअली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, बेयरली, नेवर, इटीसी कर लेते हैं दोस्तों। अगर इनमें से कोई भी एक एडवर्ब आपको दिखाई दे जाती है तो ये एक ऐसी एडवर्ब्स हैं दोस्तों, ये आपकी मोस्टली सब्जेक्ट के बाद यूज होती हैं और मेन वर्ब के पहले यूज होती हैं। और ये मेन वर्ब कौन सी होगी, या तो दोस्तों फर्स्ट फॉर्म होगी, या फिर इसमें एस या ईएस लगा होगा मतलब, और या ये सेकंड फॉर्म, ये पास्ट इंडेफिनिट के सेकंड फॉर्म में भी आ जाती है। मतलब ये एक ऐसी एडवर्ब्स हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में पूछी जाने वाली हैं, तो हमें कुछ नहीं देखना, मोस्टली ये एडवर्ब्स हमेशा मेन वर्ब के पहले मिलनी चाहिए और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आनी चाहिए। अब मैं दोस्तों आपको सेंटेंस बता देता हूं। सेंटेंस क्या है, सी इज ओफन, सी इज ओफन कमिंग टू मी ऑन संडेज। अब दोस्तों ये सेंटेंस है, अब मुझे पता है कि ओफन जो है सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए, लेकिन यहां आपकी क्या हेल्पिंग वर्ब है, तो दोस्तों यहां से इज हटा दूंगा। जब इज हटाएगा तो आई इंजी हटाएगा। अब ओपन सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब के पहले, सब्जेक्ट सिमिलर है तो मुझे कम के स्थान पर कम्स करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों कभी कभी स्टूडेंट्स की शिकायत रहती है कि बोले जी ये संडे है इसमें एस क्यों लगाया, तो दोस्तों मैं आपके बता दूं कि इस एस को लगाने का उद्देश्य यही होता है कि अगर मैं इस संडे को एवरी संडे लिख दूं, एवरी संडे, तब भी मेरा सेंटेंस सही होगा। और हर एक उसी दिन को रिपीट करने के लिए अगर मैं किसी भी दिन में एस लगा देता हूं तो उसकी वो रिपीटेशन को शो कराता है, बाकी कुछ नहीं है। सेंटेंस आपका हमारा सी ओफन कम्स हो जाएगा, वाक्य पूरा बहुत सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले स्टेप की ओर। अगला स्टेप भी दोस्तों आपको मैं स्ट्रक्चर के द्वारा समझा रहा हूं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। अब अगला स्टेप कहता है दोस्तों, अगर हमारा सब्जेक्ट मिल जाता है, सब्जेक्ट के आगे वर्ब और इसके आगे दोस्तों अगर कंजक्शन आपको लग जाता है मतलब क्लोज बन जाती है अगली, और इस कंजक्शन के आगे फिर सब्जेक्ट मिल जाता है और इसके आगे फिर वर्ब आपको मिलती है, तो दोस्तों वर्ब का कॉम्बिनेशन आपको करना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन क्या है कि ये हमारी प्रिंसिपल क्लोज बोली जाती है, और अगर प्रिंसिपल क्लोज की ये पहली वर्ब आपकी सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट में दी हो, पास्ट इंडेफिनिट में दी हो, तो दोस्तों ये जो वर्ब होगी ये दो कंडीशन में आप चेक कर लेना, या तो ये पास्ट के कंटिन्यूस की होगी दोस्तों, या तो ये पास्ट कंटिन्यूस में होगी। पास्ट कंटिन्यूस का मतलब वाज, वर और मेन वर्ब में आई एन जी के साथ होगी, या फिर ये दोस्तों पास्ट के परफेक्ट में होगी, और पास्ट परफेक्ट का मतलब हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अगर दोस्तों यहां तक आपको ये स्टेप समझ में आ गया है तो दोस्तों मैं इसका सेंटेंस बोल देता हूं। लेकिन एक बात और याद रखना, अगर पहली वर्ब पास्ट इंडेफिनिट की है तो ये दूसरी वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में नहीं होगी, नोट करके लिख लेना कि ये पास्ट इंडेफिनिट में नहीं होगी, पास्ट इंडेफिनिट में नहीं होगी, ये और लिख लेना दोस्तों, आपको सेंटेंस की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फिर सेंटेंस है दोस्तों, दे
फाउंड दैट द टैप रैन। अब दोस्तों इसमें आपको देखना है कि भाई हमारा सेंटेंस कहां गलत है और क्यों गलत है। तो मैंने सबसे पहले क्या देखा, दैट, दैट के बाद पहले ये पहली बार भाई क्या सेकंड फॉर्म नहीं है। जब सेकंड फॉर्म है तो क्या रेन ये भी सेकंड फॉर्म है या नहीं है, बोले है। अगर ऐसा एग्जाम में आपको दोस्तों कहीं भी मिल जाता है, पहली सेकंड फॉर्म दूसरी सेकंड फॉर्म कुछ मत करना, इस सेकंड फॉर्म को ही अंडरलाइन देकर इस पर टिक मार देना, यही आपका गलत होगा। सही क्या होगा, या तो मैं इसे हेड रन करना हेड रन कर दूं तब सही हो सकता है, या इसे बाज रनिंग करूं ये तब भी आपका सही हो जाएगा, लेकिन आपका रैन गलत है। ये गलत है, ये भी सही है और ये भी सही है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टेप की ओर। मैं यहां इसीलिए आपको रूल्स का रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि ये स्पोर्टिंग एरर आपके यूपीपीसीएल और आपके एसएससी स्टेनो या कोई भी एसएससी का एग्जाम, ये आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। और इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं अगली एक्सरसाइज में, इसके बाद एक एक्सरसाइज आपको कराऊंगा, सेंटेंस आपको बताऊंगा कि मैंने कितना पढ़ाया और कितना आपके समझ में आ रहा है। तो दोस्तों बने रहिए अभी, और दो इसके स्टेप जो भी बचे हैं मैं भी आपको पूरे करा रहा हूं, देखते रहना। अगला स्टेप दोस्तों, ये थोड़ा सा फॉर्मूला आता है कि अगर दोस्तों कहीं भी कोई इंडेफिनिट सेंटेंस हो, मतलब कोई भी इंडेफिनिट हो और उसमें कोई टाइम वर्ड लगा हो, कोई भी टाइम वर्ड यूज किया गया है, तो ध्यान रखना दोस्तों इंडेफिनिट प्लस टाइम वर्ड बराबर वो सेंटेंस परफेक्ट में पहुंच जाता है। ये भी आप ध्यान रखना किसी का भी, यहां मान के चलो प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइम वर्ड लगा प्रेजेंट परफेक्ट, यहां पास्ट इंडेफिनिट टाइम वर्ड लगा पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट टाइम वर्ड लगा है फ्यूचर परफेक्ट। उसी प्रकार से हमारा बनेगा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस प्लस टाइम वर्ड, टाइम वर्ड बराबर किसका, परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो जाएगा दोस्तों, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो कोई भी कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्लस टाइम वर्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टाइम वर्ड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस प्लस टाइम वर्ड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखते हैं दोस्तों सेंटेंस, सेंटेंस है आई नो हिम फॉर द लास्ट 20 years, 20 years। आप बताओ दोस्तों क्या ये टाइम वर्ड नहीं है, बोले है। जब टाइम वर्ड है और क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, बोले है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट ये है टाइम वर्ड ये है, तो ये जो वर्ब बनेगी किसकी बन जाएगी, इंडेफिनिट प्लस टाइम वर्ड परफेक्ट बन जाएगी, तो ये वर्ब बनेगा भी प्रेजेंट की परफेक्ट। तो क्या बनाएंगे, आई हैव नॉन, आई हैव नॉन कर देंगे और बाकी आपको बिल्कुल पूरा सही हो जाएगा। आई होप यहां तक ये स्टेप भी आपको समझ में आया होगा। अगला सेंटेंस अगला स्टेप देखते हैं दोस्तों, अब कुछ मेन वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मेन वर्ड हैं टेस्ट स्मेल हैव ऑन फेस फॉरगेट रिमेंबर लव लाइक अनलाइक हेट रिसेंबल थिंक अंडरस्टैंड बिलोंग बिलीव। ये दोस्तों ऐसी वर्ब हैं जिनका यूज कंटिन्यूअस में नहीं किया जाता, मतलब ये जो वर्ब है दोस्तों ये कंटिन्यूअस में नहीं आने वाली, कंटिन्यूअस में नहीं आएंगी,
ध्यान रखना दोस्तों, इनका ये यूज होगा दोस्तों या तो इंडेफिनिट में होगा किसी के भी, इंडेफिनिट में सही होगी, या दोस्तों ये परफेक्ट में यूज होंगी किसी के भी, लेकिन कंटिन्यूस में नहीं आनेंगी, ये ध्यान रखना। जैसा सेंटेंस बोलूं, ही इज फॉरगेटिंग, ही इज फॉरगेटिंग माय नेम। अब दोस्तों मुझे पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में हुआ और ये वर्ब कंटिन्यूस में नहीं आने वाली, तो किसके बनाएंगे दोस्तों? तो ये बना देंगे हम, अब कोई टाइम वर्ड नहीं है, इंडेफिनिट बना देंगे, ही फॉरगेट्स माय नेम, और ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जोड़ सकते हैं तो अभी दोस्तों बिलीव है, एक्सेप्ट लिख देंगे, नो भी है इसमें, अभी टीसी लिख लेंगे दोस्तों, और भी ज्यादा हो सकती है। तो ये आपकी वर्ब हैं जो कंटिन्यूस में यूज नहीं होती हैं, जब कंटिन्यूस में नहीं आती तो ये इंडेफिनिट या परफेक्ट में होंगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले स्टेप की ओर। अगर दोस्तों कहीं भी इस एवरी के आगे दिन में एवरी डे, एवरी नाइट और एवरी ईयर कुछ भी इस तरह का टाइम वर्ड यूज हो, टाइम वर्ड यहां इस तरह के कोई भी यूज कर रहे हैं, तो दोस्तों यहां है जो वर्ब भी आप यूज करने वाले हो वह वर्ब या तो फर्स्ट फॉर्म होगी या फिर उसमें एस या ईएस लगा होगा। जैसे दे आर गोइंग टू द ऑफिस एवरी डे। अब दोस्तों मुझे एवरी डे मिला, सीधी सी बात वर्ब ये होगी। अब यहाँ क्या इज गोइंग गलत है दोस्तों, तो क्या लगा दूंगा, डायरेक्ट वो कर दूंगा और वाक्य मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों यहाँ तक वीडियो भी आपको समझ आ रही होगी, और अभी जैसे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनके समझ में नहीं आ रही है, जब मैं आपको इसकी रिविजन एक्सरसाइज कराऊंगा तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी, लेकिन स्टेप आपको जरूर याद रखने हैं। बढ़ते हैं दोस्तों देखो अगले स्टेप की ओर। अगर दोस्तों कहीं भी वर्ड है आपका होल, इसके आगे भी कोई टाइम वर्ड लगा हो, कोई भी टाइम वर्ड आ जाता है इसके साथ भी, तो ध्यान रखना उस सेंटेंस की जो वर्ब आपकी देखनी है आपको, वो हैड, हैड के आगे बीन और मैन वर्ब में दोस्तों आईएनजी आपको देखनी है, मैन वर्ब में आईएनजी, बस इतनी बात याद रखना। होल के आगे कोई टाइम वर्ड लगा है, जैसे I found that the dog was barking the whole night। अब दोस्तों क्या होल के साथ नाइट टाइम वर्ड है नहीं है? है। जब टाइम वर्ड है तो दोस्तों मुझे क्या लगती है, हेड बीन के साथ मैंने बनवाई है, आई एन जी तो है, बाज के स्थान पर मुझे हेड भी करना पड़ेगा और बात मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों यहाँ तक वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो दोस्तों यहाँ तक पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों अगर किसी को कोई कमेंट्स करना है तो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। एक स्टेप और है, उसके बाद हम वीडियो को लास्ट करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे दोस्तों। अब इसके अलावा जो लास्ट स्टेप है, इस तरह से कोई वर्ड है देखो, जैसे यस्टरडे, एगो, देन, बिफोर, सिंस, एवर सिंस, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट नाइट, लास्ट वीक। अगर दोस्तों इस तरह से कोई भी बड़ा आपको सेंटेंस के या तो शुरू में मिल जा
या सेंटेंस के लास्ट में मिला, तो भाई उस सेंटेंस की जो वर्ब आपको देखनी होगी, ये वर्ब जो चेक करेंगे वो वर्ब सेकंड फॉर्म में चेक करेंगे, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में चेक करेंगे। देखने को कभी कभी सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस में मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर हम यहाँ पास्ट इंडेफिनिट ही चेक करेंगे। जैसे लास्ट नाइट आई हैड टेकन लंच। अब दोस्तों मुझे पता है कि लास्ट नाइट मुझे शुरू में मिल गया, तो डायरेक्ट वर्ब मुझे सेकंड फॉर्म में चेक करनी है। हैड टेकन के स्थान पर मैं केवल यहां टुक लगा दूंगा, बात का मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों ये पहली क्लास के जो रूल्स थे वो मैंने आपको रिवाइज कराए हैं, अब मैं इसकी एक्सरसाइज आपको पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों देखना अब की एक्सरसाइज में हम कितने सेंटेंस या कितने सेंटेंस को हम बहुत अच्छे से कवर कर पा रहे हैं। तो दोस्तों देखते हैं एक्सरसाइज में। हेलो दोस्तों, बढ़ते हैं अब एक्सरसाइज की ओर। तो दोस्तों फर्स्ट सेंटेंस है, ही सेल्डम हैज फैटी फूड। जैसा कि दोस्तों उसमें तीन ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें तीनों में से कोई एक सेंटेंस सही होगा और एक मतलब एक सेंटेंस सही होगा, दो गलत होंगे। तो मैंने दोस्तों आपको इस सेल्डम के बारे में बताया था कि सेल्डम सब्जेक्ट के बाद मैन वर्ब के पहला आता है, तो ऐसा केवल मुझे एक ही ऑप्शन दिखाई देता जो है ए। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में दोस्तों, व्हाई आर यू कुकिंग फूड टुडे। सेकंड ऑप्शन है व्हाई डू यू कुक, लेकिन दोस्तों यहाँ इन्होंने ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। अगला है व्हाई हैव यू बीन कुकिंग फूड टुडे, लेकिन दोस्तों जब हैज बीन हैव बीन आता है तो आगे पॉइंट ऑफ टाइम भी लगा होता है, लेकिन वो इसमें नहीं है, तो इसका भी फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सी हैड ब्रश्ड हर टीथ एवरी नाइट। आपको बताया था कि जब एवरी लास्ट में लगा हो, एवरी के साथ कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, तो वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। तो दोस्तों पहला गलत है, इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सी ब्रशेस हर टीथ एवरी नाइट। अगला दोस्तों, आपको मैंने कुछ वर्ब्स लिखवाई थी क्वेश्चन नंबर फोर की, तो इसमें इट इज़ लुकिंग दैट इट मे रेन, या इट इज़ लुक्ड दैट इट मे रेन, इट लुक्स दैट इट मे रेन। अगर दोस्तों कोई भी कंजक्शन आपको कहीं भी दिखाई दे जाता है, उसके आगे ये मॉडल वर्ब में दिखाई दे जा, तो ध्यान रखना इसके इधर जो फर्स्ट में होगी कंजक्शन के पहले वाली वर्ब, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की होगी, और प्रेजेंट इंडेफिनिट इसमें सी ऑप्शन में है, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन अगले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एट प्रेजेंट। अब दोस्तों मैं इसकी थोड़ी सी एक कंडीशन बता देता हूँ। देखो अगर कहीं भी एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, नाउ, अगर इस तरह को कोई भी वर्ड आता है, तो ध्यान रखना वो सेंटेंस दोस्तों प्रेजेंट का कंटिन्यूस होगा, और इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस हमें सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सी जस्ट। दोस्तों मैंने सुबह आपको जो क्लास ले रहा था उसमें आपको बताया था कि जस्ट के पहले हमें हैज हैव हैड देखना होता है। ए ऑप्शन में मुझे कहीं जस्ट के पहले हैज हैव हैड नहीं दिखाई दे रहा, ना ही दूसरे में दोस्तों, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, जस्ट के पहले आपका हैज हैव है, और आगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, वाक्य बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाइल। अब व्हाइल के साथ ध्यान रखना दोस्तों, व्हाइल के आगे जो भी वर्ब मेन वर्ब आती है, वह मेन वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल में होती है, तो मैं बी ऑप्शन तो इसका वैसे ही गलत कर देता हूँ, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है। अगर ए और सी को देखता हूँ दोस्तों, तो सी मेरा इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि ये पहली क्लोज आपकी पास्ट की है और ये क्लोज आपकी प्रेजेंट की है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला दोस्तों, मैंने आपको लिखवाया था रूल्स जब लिखवा रहा था कि इंडेफिनिट प्लस टाइम बराबर परफेक्ट होता है। अब दोस्तों ये पहला सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है,
और तीन की तीनों ऑप्शन में हमारा टाइम पॉइंट ऑफ टाइम लगा हुआ है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनेट और ये टाइम है दोस्तों। तो सही सेंटेंस परफेक्ट का होगा, तो इसलिए सही आंसर इसका बी सही होगा। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंस, मैंने आपको बताया था सिंस के आगे पास्ट इंडेफिनेट या टाइम आता है, तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन तो गलत है क्योंकि सिंस के आगे इन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट दिया है। सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट आता है, तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन गलत होगा क्योंकि सिंस के पहले ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही है। एक रूल में दोस्तों आपको लिखवाया होगा कि जब येट सोफा टिल नाउ वाक्य के लास्ट में आते हैं तो वह वाक्य हैज नॉट हैव नॉट के साथ थर्ड फॉर्म में आते हैं, तो दोस्तों ऐसा ऑप्शन मुझे सी दिखाई दे रहा है, इसमें सी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट में दोस्तों आपको लिखवाया था कि जब पहली क्लोज पास्ट इंडेफिनिट में दी हो तब दूसरी क्लोज पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट परफेक्ट में होती है, तो इसका मैं बी ऑप्शन वैसे गलत मान लेता हूँ कि जब पहली क्लोज पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरी पास्ट इंडेफिनिट की नहीं आएगी। ऑप्शन दोस्तों मेरे पास पास्ट का परफेक्ट भी है, पास्ट कंटिन्यूस भी है, तो मुझे सही ऑप्शन प्रेफरेंस के रूप में सी को देना होगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के बाद पास्ट कंटिन्यूस आएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, आई फाउंड, ये तीनों ऑप्शन में आई फाउंड सेम दिखाई दे रहा है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसके आगे पास्ट इंडेफिनिट नहीं आएगा, तो इसके आगे या तो पास्ट कंटिन्यूस का होगा या पास्ट परफेक्ट दोस्तों, तो ये पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव है, दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि प्रेजेंट है, तो इसका आंसर दोस्तों सही क्या बचा, सी है, सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे दोस्तों कि इसमें आपका बाई टुमारो आफ्टरनून तीन ऑप्शन है, तीनों में ऐसी सेम दिया हुआ है, तो फिर मैं फार्मूला सेट कर दूंगा क्योंकि ये इंडेफिनिट है और ये टाइम लगा हुआ है, तो दोस्तों इंडेफिनिट प्लस टाइम बराबर मेरा परफेक्ट का ऑप्शन सही होगा, तो ये ऑप्शन आपका सी है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन है 14 क्वेश्चन, वी डिड नॉट, अब दोस्तों मैं यहाँ एज को अगर मैं कंजक्शन मान लेता हूँ तो पहली क्लोज मेरी अगर पास्ट इंडेफिनिट की है तो दूसरी पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट परफेक्ट ही होनी चाहिए, तो दोस्तों ऐसा देख लेंगे हम कौन से ऑप्शन में हैं, तो ये ऑप्शन हमें सी मिल जाता है। दोस्तों बी थोड़ा इसलिए गलत है क्योंकि पहला प्रेजेंट है, प्रेजेंट के आगे पास्ट दिया हुआ, ये इसलिए गलत है और आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर दोस्तों सिंस आ जाता है, सिंस के आगे पास्ट इंडेफिनिट, देखो तीनों ऑप्शन ए में भी आपका, बी में भी और सी में भी पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट को अगर मैं प्रेफरेंस देता हूँ तो मेरा ए ऑप्शन है। लेकिन दोस्तों अगर मैं इससे बीमारी की बात करता हूँ तो बीमारी मोस्टली कंटिन्यूस में आती हैं, तो इसलिए इसका आंसर सी में होगा। अगर यहाँ कोई बीमारी नहीं होती तो दोस्तों सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट ही सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16, क्वेश्चन नंबर 16 मैंने आपको लिखवाया था यस्टरडे एगो देन बिफोर सिंस, किसी वाक्य के शुरू या लास्ट में आते हैं, वाक्य पास्ट इंडेफिनिट होता है। पहला ऑप्शन दोस्तों गलत कि प्रेजेंट परफेक्ट है, दूसरा भी गलत प्रेजेंट परफेक्ट है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, पास्ट इंडेफिनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, देख लेते हैं इसे। माई सिस्टर हैज़ गॉन टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडी ओनली ए मंथ एगो, इसमें भी दोस्तों एगो तीनों ऑप्शन में है, तो मुझे कुछ नहीं देखना, पास्ट इंडेफिनिट ऑप्शन देख लेना है और पास्ट इंडेफिनिट मेरा ऑप्शन जाता है बी, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन में सिंस मुझे दिखाई दे रहा है कि सबके लास्ट में मुझे यहाँ सिंस दिखाई दे रहा है, तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट में देख लूँगा कौन सा है। ए ऑप्शन दोस्तों मेरा गलत है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। अब ये दो ऑप्शन प्रेजेंट परफेक्ट के हैं, बी और सी, लेकिन अब सिंस के आगे जो वाक्य आएगा पास्ट इंडेफिनिट, इसलिए मेरा आंसर कौन सा, सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली के बारे में मैंने बताया होगा, रिसेंटली, जस्ट, एवर, ऑलरेडी, इनके पहले मुझे हैज, हैव, हैड देखना होता है, तो मुझे ऐसा दूर से एक ही ऑप्शन दिखाई देता है जो कि ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही आंसर है। ये भी मैंने आपको लिखवाया था दोस्तों कि कोई भी सन 1985, 86, 2000
2010 2005 इस तरह का कोई भी सन आती है, कोई भी ईयर आता है, तो उसके पहले से हमें प्रीपोजिशन चेक करनी होती है। अगर प्रीपोजिशन इन आती है तो पास्ट इंडेफिनिट देख लेते हैं, और अगर सिंस आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट देख लेते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों? आंसर आपका सी ऑप्शन सी है। तो दोस्तों ये थी आपकी जो मैंने रूल्स लिखवाए थे उसकी एक्सरसाइज। अगर दोस्तों आपको रिवीजन एक्सरसाइज और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।